नमस्कार, मैं सोनिया सैनी और आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में। रायबरेली जिले में बच्चों को पकड़ने की बड़ी सनसनीखेज घटना सामने आई है। घर से पैदल स्कूल जा रही एक 10 वर्षीय बच्ची को पकड़ने का प्रयास कर रहे अधेड़ को स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा, पुलिस के हवाले किया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल रायबरेली शहर के आचार्य द्विवेदी नगर में अपने स्कूल जा रही बच्ची को एक युवक द्वारा जबरन किडनैप करने का प्रयास किया गया, जिस पर बच्ची द्वारा चीखने पर आसपास के लोग दौड़े और आरोपी युवक को धर दबोचा और फिर उसकी पिटाई की गई। पीड़ित बच्ची ने बताया कि रास्ते में खड़ा एक अधेड़ ने उसे अपने पास बुलाया और जेब से एक शीशी निकालकर रुमाल में शीशी से दवा डालने लगा, जिसे देखकर बच्ची घबरा गई और पास के एक घर में भागकर घुस गई। उसने पूरी घटना बताई तो मोहल्ले के लोगों ने मिलकर अधेड़ को पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने उसकी जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले किया है। पकड़े गए व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर रही है। छात्र के पिता ने कोतवाली में घटना की तहरीर दी है। उत्तर प्रदेश में बुधवार को रूबी खान ने गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया। इस दौरान उनके पति और दो अन्य मुस्लिम महिलाएं साथ थी। रूबी नरोरा के नरवर में गणेश की प्रतिमा का विसर्जन कर गंगा को नमन किया। रूबी आसिफ खान ने भारी पुलिस बल की सुरक्षा में गंगा के पास पहुंची और मूर्ति विसर्जन किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। रूबी खान ने बताया कि 7 दिन पहले उन्होंने भगवान गणेश की प्रतिमा घर पर स्थापित की थी, जिसके बाद कुछ कट्टरपंथी समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया। अलीगढ़ की भाजपा नेत्री रूबी आसिफ खान ने बताया कि वे श्री गणेश मूर्ति की स्थापना कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और विसर्जन किया। इससे कट्टरपंथियों को मुंहतोड़ जवाब मिला है। कट्टरपंथियों ने रूबी के खिलाफ फतवा भी जारी किया है। रूबी खान के मुताबिक 2 साल पहले भी पूजा अर्चना को लेकर फतवे जारी किए गए थे। शहर में पोस्टर भी लगवाए गए थे। अमेठी में बुधवार जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जनपद में चल रही परियोजना हर घर जल हर घर नल शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। उक्त कार्य में हीला हवाली कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्य में प्रगति लाने के साथ योजना के माध्यम से हर घर को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सचिन यादव, अधिशासी अभियंता जल निगम कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। यूपी के 62 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। स्थिति के सही आकलन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को सर्वे करने का निर्देश दिया है। 75 जिलों में 75 टीमें इसके लिए काम करेंगी और जिलाधिकारियों को 1 सप्ताह में रिपोर्ट देनी होगी। लापरवाही बरतने और देरी होने पर जिलाधिकारी जवाबदेह होंगे। सूखा प्रभावित जिलों में लगान स्थगित रहेंगे, साथ ही ट्यूबवेल के बिलों की वसूली भी स्थगित रहेगी और ट्यूबवेल कनेक्शन भी नहीं काटे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने दलहन तिलहन और सब्जी के बीज किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सिंचाई विभाग सिंचाई के लिए नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और बिजली विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए, ताकि प्रभावित किसानों को राहत मिल सके। कोर्ट के आदेश की अवहेलना, बाराबंकी में तैनात एक दरोगा को महंगी पड़ गई। न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने के आदेश का उल्लंघन कर गायब हो जाने के बाद बुधवार को कोर्ट में पेश दरोगा को अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने नाराजगी जताते हुए दरोगा दुर्गा प्रसाद शुक्ल के खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज कराने और फिर गवाही के लिए उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। दरोगा का बचाव करने कोर्ट पहुंचे COCT के न्यायाधीश ने कोर्ट में ताला लगवा देने को कहा। दरोगा के बचाव की सिफारिश फेल हो जाने के बाद पुलिस दरोगा के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए उन्हें कोतवाली नगर ले गई। यह मामला लंबुआ कोतवाली से जुड़ा है। लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से जुड़े छेड़छाड़ व गैर इरादतन हत्या के मामले में विवेचक रहे दरोगा दुर्गा प्रसाद शुक्ल का मुख्य बयान 6 जून 2022 को कोर्ट में दर्ज किया गया था। दलील के लिए कोर्ट ने दरोगा को नियत पेशी पर हाजिर रहने का आदेश था। उसके बाद दरोगा ने जिरह के लिए पिछली 2 जुलाई, 16 अगस्त व 25 अगस्त को पेशी नियत की गई, लेकिन दरोगा गवाही देने के लिए कोर्ट नहीं आया। गोरखपुर में जालसाजी का आरोपी कानपुर पुलिस से हाथ छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया। कानपुर के फजलगंज थाने में तैनात दरोगा ने जालसाजी के आरोपी के खिलाफ कैंट थाने फरार होने का FIR दर्ज कराया है। आरोपी रामजतन चौधरी गोरखपुर के बेलीपाल स्थित कुछ मॉल शिवपुर का रहने वाला है। रामजतन चौधरी मसाले का कारोबार करता है। 1 साल पहले कानपुर की ग्वालटोली में जनरल मर्चेंट की दुकान चलाने वाली अनुराधा गुप्ता को पान मसाले की आपूर्ति देने का झांसा देकर 3 लाख रुपए ले लिए। पुलिस से शिकायत करने पर रामजतन ने अनुराधा का हस्ताक्षर युक्त बिल डाक द्वारा भेज दिया।
फोन करने पर रामजतन ने बताया कि रुपए मिलने के बाद उसने मसाला भेज दिया था। अनुराधा ने बिल पर फर्जी हस्ताक्षर होने की जानकारी पुलिस को देने के साथ ही 10 अप्रैल साल 2021 को फजलगंज थाने के SKS फूड के प्रोपराइटर रामजतन चौधरी, एजेंट सुबोध कुमार और जैनेन्द्र शुक्ल के खिलाफ जानसाजी का मुकदमा दर्ज कराया है। योगी का बयान, देश में बेरोजगारी से लड़ने में यूपी का प्रदर्शन अव्वल है। उत्तर प्रदेश में पूरे देश के मुकाबले न केवल रोजगार बढ़ाने का ज्यादा काम हुआ बल्कि केंद्र की योजनाओं से लोगों को जोड़ने में भी बेहतर रहा। यही वजह है कि संगठित और असंगठित दोनों मोर्चों पर बेरोजगारी घटाने का बड़ा फायदा मिल रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अगस्त में 8.3% बेरोजगारी रही है। 8.3% बेरोजगारी का मतलब होता है जितने भी लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं उनमें से 8.3% को रोजगार नहीं मिला। वहीं उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 3.9% पर रहा। यूपी के मुकाबले बिहार 12.8, दिल्ली 8.2, हरियाणा 37.3% बेरोजगारी के साथ कमजोर स्थिति में रहा। इसके विपरीत मध्य प्रदेश 2.6, महाराष्ट्र 2.2, गुजरात 2.6% के साथ यूपी से बेहतर रहा। गोलगप्पे खाकर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के एक ही गांव में लगभग 20 बच्चे और महिलाएं बीमार हो गए। घटना से गांव में हड़कंप मच गया। परिवार वालों ने गांव के चिकित्सक से उपचार कराया। 3 बच्चों व 3 वृद्ध को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी गांव में कैंप लगाकर उपचार शुरू कर दिया है। नौगावा सादात के गांव अदलपुर समदू में मंगलवार देर शाम गोलगप्पे बेचने वाला व्यक्ति ठेला लेकर पहुंचा था। बताते हैं वह पहले भी गांव में गोलगप्पे, टिक्की, चाउमीन व बर्गर बेचने आता रहा है। लगभग 8 बजे गांव के बच्चों व महिलाओं ने उससे खरीद कर गोलगप्पे खाए थे। रात में लगभग 12 बजे के बाद से ही एक एक कर सभी की तबीयत खराब होने लगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ कबीर न्यूज़ पर।